Hi Hi, how Pallavi. are you? I am great. How are you? I am fine, looking very gorgeous. Thank you, Hina. You're looking nice too. You're doing so many lives I've seen. It's Yes. amazing. Yes, but thanks to all of you जो आप आते हैं, लोगों से बात करते हैं. पर मुझे आपसे ये पूछना, आपका जो YouTube चैनल है, आई मीन इट्स अमेजिंग फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली, आप उस पे इतना बड़ा बड़ा वो जो कैप्शन डाल देते हो, लाइक हाउ डू यू डू इट? बिकॉज इट्स सो इंट्रीगिंग कि मैं जब भी देखती हूँ, आई वॉन्ट टू वॉच कि उसके अंदर क्या हो रहा है आपके उस YouTube चैनल में. बिकॉज यू पुट योर थंबनेल सो प्रिसाइज कि बस मन करता है उसे खोल के देखो और सुनो. माई टेक्निकल टीम विल बी हैप्पी नाउ. या टेल देम, प्लीज टेल देम. कैन यू हियर इट्स मी प्रॉपरली और शुड आई पुट नो नो आई द कैन हियर यू हेडफोन? प्रॉपर्ली. Let me यू see. ऑल्सो हैव योर यूट्यूब I have tried to make it during this quarantine only. I don't know if this one will work. During this quarantine only मैंने बनाने की कोशिश की है YouTube चैनल, जिसमें मेनली मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं, अपने हेयर एक्सटेंशन नहीं, जो खुद की कंपनी है उसके बारे में बोलने की ज्यादा कोशिश कर रही हूँ, उसके बारे में बताने की लोगों को. बिकॉज आई डोंट थिंक इतने YouTube पे चैनल्स हैं अबाउट हेयर एक्सटेंशंस. सो मैंने यस सोचा कुछ मेरे बारे में, कुछ मेरी कंपनी के बारे में. सो इट्स अ नाइस अमालगमेशन. पारुल, मैं एक बहुत ऑनेस्ट कन्फेशन करूंगी. सबसे पहले मैं आपकी एक्टिंग मतलब सिलेक्शन डे में देखा, बहुत कुछ देखा है, लेकिन आज जब मैं आपके बारे में और जानना चाह रही थी और मैंने आपके बारे में और जाना, तो मुझे ऑनेस्टली लगा मुझे भी वापस 20 साल पहले जाना है और इस तरह से जर्नी शुरू करनी है. ओह, दैट्स वेरी स्वीट. थैंक यू. मैं भी दिल्ली से हूँ अच्छा. और कुछ ऐसे ही जब आए थे तो इसी तरह की चीजें, जो मैंने आपका टेड टॉक सुना तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे स्टेज पर मुझ जैसी बहुत सारी लड़कियां खड़ी हैं और बातें कर रही हैं. मुझे बहुत करेज लगी थी वो सिर्फ एक बात बोलने में कि जो भी मैंने उस टेड टॉक में बोला, मुझे बहुत हिम्मत लगी थी उस चीज के बारे में बात करने में. और जब मैंने ये बोला, एक तरह से एक वेट था जो मेरे शोल्डर से चला गया. एंड आई फेल्ट, और काफी लोग इस तरीके से आए मुझसे, उन्होंने बात की, उन्होंने बताया कि उनको भी ऐसा लगता था. तब मुझे लगा कि ओके, आई एम हैप्पी कि किसी तक ये बात पहुंची. नो नो हैट्स ऑफ टू यू. वाकई में कई बार जरूरी होता है कुछ चीजों को बता देना और उसके बाद चीजें बहुत आसान लगने लग जाती है. जी जरूर. मुझे लगता है आप जो एंटरप्रेन्योर हैं, इतनी छोटी उम्र में इतना सब अचीव किया है, उसके पीछे यही चीजें हैं कि आप खुल के बता देती हैं जो है. हाँ, उसके लिए पर काफी टाइम लगा कि वहां तक पहुंचने के लिए कि सब कुछ बता दो. सो नाउ बी इट माय बिजनेस और माय एक्टिंग, जो भी हो, इट्स एंड एज एन एक्टर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर चीज से अफेक्ट हो, हर चीज को आप फील करो और हर चीज को आप उसी ऑनेस्टी से बयान कर सको. यस वेरी नाइस. मैंने रायकर केस देखी हाल ही में जो रिलीज हुई, बहुत ही अच्छी लगी मुझे. और ये ऐसा लग रहा है कि कब आएगा सीजन 2. या यू थिंक यस सो? ग्रेट. समवन सिंह, रचिता हुजा सिंह, प्लीज रिमूव द फिल्टर पारुल. आई थिंक दिस फिल्टर वॉज लुकिंग नाइस, बट आई रिमूव इट फॉर यू रचित. दिस इज नो फिल्टर पारुल. या देर आर लॉट ऑफ पीपल राइट नाउ. माई फ्रेंड इज हियर. हाय अभी. बट या आई डोंट नो सीजन 2 का क्या होने वाला है अभी ना. आई बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि क्या होता है, पहले शो बनाते हो, फिर उसके बाद यू रियलाइज कि कितने लोग देखेंगे उसे या कैसा रिस्पॉन्स आएगा, उसके बाद ही सीजन 2 आता है. सो अभी तक तो वी डोंट नो. और अभी अगर हम बनाना भी चाहें तो कहाँ बनाएंगे सीजन 2? सो आई थिंक इफ राइटर्स हैव टू स्टार्ट राइटिंग, दे कैन स्टार्ट राइटिंग ताकि जब भी ये खत्म हो और हम शूट स्टार्ट कर सकें उसका. लेकिन आपको कैसे मिले इसके रिएक्शंस, अतुल जी के साथ काम करना, अश्विनी भावे जी के साथ काम करना, वैसे उनसे रिएक्शन या फिर जस्ट ऑडियंस से? भी ऑडियंस से. अब तो उनके काफी फैन फॉलोइंग स्ट्रांग है, अतुल सर की एंड अश्विनी मैम की. इनफैक्ट मुझे इतने क्वेश्चंस आते रायकर केस के, आई एम नॉट किडिंग, कल रात को मेरे सपने में भी अतुल जी और अश्विनी मैम आए थे. इट्स लाइक आई एम लिविंग विद देम. बट उनके साथ काम करना काफी अच्छा था. फिर उनकी इतनी फैन फॉलोइंग है जो मेरे को रीच करी है अब तक इतने टाइम में. काफी लोगों ने मुझे बताया कि वो कितने बड़े फैंस थे, और अगर मैंने उनके साथ काम करा तो कितनी बड़ी बात. लाइक मदर हैज लव्ड अश्विनी मैम इन हर येस्टरडे और इन हर ब्यूटिफुल म्यूजिक और वट एवर सॉन्ग्स दैट शी हैड डन उस टाइम पे. सो रिस्पॉन्स हैज बीन वेरी नाइस. जिस तरह की कहानी है, मैं सबसे पहले आपके ताशा के कैरेक्टर के बारे में बात करूंगी.
डिसफंक्शनल फैमिली की कहानी है, और इसी को लेकर आप काफी डिस्टर्ब भी लगती है पूरे शो में। बार्बर जॉन से जो अपने आपका वो नील का कैरेक्टर उससे शेयर भी करती है, तो हाउ इट वाज प्लेइंग दिस कैरेक्टर? एक तरह से, क्योंकि शुरू में एक परसेप्शन होता है आपका एक कैरेक्टर को लेकर, और मैंने उसके हिसाब से प्रेप किया. बट आई थिंक अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू माय डायरेक्टर, क्योंकि मैंने सिर्फ उन्हीं को फॉलो किया. आदित्य सर, उन्होंने मुझे, यस बिकॉज आई थिंक उनको उस वर्ल्ड के बारे में काफी प्रिसिजन था कि वो ऐसे ही होना चाहिए ताशा की लाइफ. आई रिमेम्बर वेन एवर आई वुड कम बैक होम, मेरा ये कॉन्स्टेंट हो गया था. सो दिस इज माई फ्राउन, वॉज माई रेगुलर, पूरे शो में ये फ्राउन है. और आई थिंक मैं घर भी आती थी तो मैं ऐसे होती थी उसके बाद. बट इट वॉज डिफिकल्ट, इमोशनली काफी चैलेंजिंग था, क्योंकि इमोशनली आप इतने इमोशंस को फील कर रहे हो, या फिर उतने इमोशन से जा रहे हो, फीलिंग दैट समवन डाइड, समवन नॉट देयर इन योर फैमिली एंड ब्ला ब्ला ब्ला. बट आई थिंक हैट्स ऑफ टू आदित्य सर, बिकॉज ही वुड टेक मी थ्रू दैट जर्नी एवरी डे लाइक फ्रॉम द स्टार्ट. तो अब इतना लंबा जो ब्रेक मिला है जिसके बारे में हम में से किसी ने नहीं सोचा था, तो आपका दिन कैसा जा रहा है? एक तो इतने लाइव करने को मिल जाते हैं, फिर ये जब सब लोग आते हैं उनसे बात करने को मिल जाता है, आपसे बात करने को मिल जाता है, दैट्स वंडरफुल. उसके अलावा काफी अभी चीजें बदल गई हैं, लेट सोना, लेट उठना, थोड़ा मोटिवेशन कम हो गया अभी. सो लाइफ बहुत बहुत बदल गई है पहले से अब तक. मैं देख रही थी आपने एक पोस्ट डाला था कि 12 घंटे सो के उठी हैं, 12 घंटे। वो तो अभी स्टेपल हो गया है, वो स्थायी भाव है अभी. स्थाई भाव है। आप बहुत अच्छी हिंदी में लिखती भी है, मैंने देखा कुछ लाइनें आपने लिखी हुई थी अपने इंस्टा पे, खिड़कियां, और उसके बाद कुछ पोस्ट डाले थे थ्रोबैक। माय मदर थिंग्स काफी टेरिबल है मेरी हिंदी. मम्मी कहती तुम्हारे जो मुंह से इतनी दिमाग वाली बातें निकलती है ना, अच्छी नहीं लगती. सो दैट्स व्हाट माय मदर थिंग्स. समवन वांट्स टू नो अबाउट सीजन 2 ऑफ गर्ल्स हॉस्टल. हाय मंजरी, आई डोंट नो राइट नाउ. इनफैक्ट यू नो हीना जी, हम अभी शूट करने वाले थे गर्ल्स हॉस्टल, और मैं रोज उनको बताती रहती हूँ सबको कि अप्रैल वॉज द टाइम हमने स्केड्यूल कर रखा था, रीडिंग्स हो गई थी, सब एक्टर राइटर मीटिंग सब कुछ था, बट अभी हम नहीं शूट कर सकते. तो अभी शूटिंग की तरफ से आप लोगों को कुछ भी पता चला है कि कब से शुरू होगा या सब कुछ होल्ड पे कर दिया गया है? अभी सब कुछ लिम्बो में है, सब होल्ड पे है, कुछ नहीं पता अभी क्या होगा. कुछ नहीं पता। तो अभी आपके खाली टाइम में क्या करती है? यहाँ पे कोई पूछ रहा था कि कितना कुकिंग सीखा आपने। कल ही मैंने एक पोस्ट किया था, आई सॉ कि आपने अक्षय के साथ भी लाइव किया था, अक्षय ने मुझे नॉमिनेट किया था. यस मैंने कुछ नहीं सीखा है, मैं मम्मी के साथ रहती हूँ और मम्मी मुझे अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिला रही है. मेरा एक्चुअली कुकिंग अच्छी नहीं लगती, सो आई एम नॉट इवन ट्राइंग कि मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे ट्राई करके एक वीडियो डाल दूं दैट आई एम कुकिंग, बिकॉज़ आई एम नॉट. सो या तो मैंने अक्षय बिल्कुल की. भी। खाने में क्या क्या पसंद है? हाँ जी, खाने में क्या क्या पसंद है? खाने में तो सब पसंद है जो मम्मी बना देते हैं. आई ईट एवरीथिंग. मम्मी इज फीडिंग मी पराठास. आई एम श्योर कि जब मैं इस क्वारंटीन से निकलूंगी आई वुड हैव पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट फॉर श्योर. आपको पता है अभी आजकल इंस्टा के मीम्स भी बन रहे हैं कि सारे एक्टर एक्ट्रेसेस या सभी जब घर से बाहर आएंगे तो 10-15 किलो सबका बढ़ चुका होगा। इवन सम एक्टर्स एंड सम ऑफ माई फ्रेंड्स, वो तो लगातार वर्कआउट कर रहे हैं, और मैं उनकी वर्कआउट वीडियोस देख के खुद को इतना कॉम्प्लेक्स फील होता है कि मुझे भी करना चाहिए. बट हम लोग नहीं, लिटिल लिटिल थोड़ा सा कर लिया. बट हाउ आर यू कीपिंग, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग? योगा 20 to 25 मिनट्स इन द मॉर्निंग, और उसके बाद घर के काम और ये यूट्यूब का काम इतना हो जाता है अपने आप एक्सरसाइज हो जाती है। बट आई एम हैप्पी, आई एम नॉट गेनिंग वेट। दैट्स गुड ना. आई थिंक घर का खाना खाने से ये भी फर्क पड़ता है, बिकॉज़ अब घर का समवन्स आस्किंग फॉर लाइक राजमा चावल, आई लव राजमा चावल. सो घर का खाने में एनीवे देयर आर लेस ऑफ व्हाटएवर आउटसाइड फूड, व्हेन यू ईट देयर आर मेनी थिंग्स, तो आप उसको अवॉइड कर रहे हैं, जंक फूड कम खा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वेट तो पुट ऑन नहीं होगा. बट आई थिंक बिकॉज़ आई एम ईटिंग अ लॉट ऑफ ऑयली फूड, आई एम ब्रेकिंग आउट. आई कैन सी आई एम गेटिंग लिटिल लिटिल पिंपल्स हियर एंड देयर. लेकिन ठीक हो जाएगा जैसे ही सब काम शुरू होगा, वर्कआउट शुरू होगा। रोहन या दैट्स द प्लान. कह रहे हैं, पारुल यू डिड अ ब्रिलियंट एक्टिंग एक्टिंग इन POW। ओह थैंक यू. सो दैट वाज माय, एक्चुअली अगर देखा जाए तो प्रॉपर हिंदी प्रोजेक्ट था, व्हिच जो कि स्टार प्लस पे आया था उस टाइम पे. तो वो टाइम तब था जब
बड़े डायरेक्टर्स टेलीविजन कर लेंगे, लेकिन उस वक्त वेब स्पेस इतना ओपन नहीं हुआ था. सो अगर कोई वेब बना भी रहा था वो यूट्यूब वाले लोग बना रहे थे. सो इट वॉज दैट ट्रांजिशन टाइम. अभी लोग सोच रहे, सो आई वर्क विद निखिल अडवाणी ऑन दैट शो, एंड तभी लोगों के लिए छोटी बात थी वेब करना. सो आई होप उस टाइम पे वेब होता तो, तब वेब पे आता तो वो शो काफी ज्यादा अच्छा करता, बिकॉज इट वॉज वेरी प्रोग्रेसिव दैट शो. इट वॉजंट लाइक अ प्रॉपर टिपिकल टेलीविजन शो, because it had a lot of blood, uske andar prisoner of war ke bare mein baat ho rahi hai, it had a lot of things, aur uska slot bhi kafi late tha, it was at 11 o'clock at the night, because they knew it's not for everyone, and I wish agar web hota tabhi it would have done, I think, much much better. Manan keh rahe hain ki my day is made whenever I see you, Parul ma'am, on live. Oh, thank you so much Manan, that's very sweet of you. Aapko frequently live aana chahiye. मैं रोज लाइव कर रही हूँ, आई एम नॉट किडिंग, बिकॉज आई लव इंटरेक्टिंग विद ऑल ऑफ दीज पीपल, बिकॉज ये रोज टाइम पे आ जाते हैं व्हेनेवर आई गो लाइव, एंड इट्स नाइस टू टॉक टू देम, बिकॉज दैट्स द ओनली वे आई कैन इंटरेक्ट विद देम राइट नाउ. आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, कुछ निश हेयर का कमाल है या? दिस इज माई रियल हेयर, अभी शॉर्ट करने के बाद अभी कोई निश हेयर नहीं है इसमें, बट या तो इतनी कम उम्र में आपने कैसे सोचा कि आपको अपना एक बिजनेस भी शुरू करना है, यूट्यूब भी करना है, एक्टिंग भी करनी है, बीच में करियर शुरू हो गया, ब्रेक लेकर लंदन भी जाना है, तो मुझे लगता है कि बहुत क्विक डिसीजन लिया आपने अपनी लाइफ में. आई डोंट नो इफ इट वाज क्विक डिसीजन, आई थिंक आई वाज एट द राइट प्लेस एट राइट टाइम. अगर बिजनेस भी स्टार्ट करने की बात है तो आई स्टार्टेड एट अ पॉइंट, मैं अपने लोएस्ट लो पे थी उस वक्त. आई डोंट इवन थिंक मेरे पास इतना बैंडविड्थ था कि मैं अपना रेंट पे कर सकूं, और वट एवर सेविंग्स आई हैड मैंने वो सारी अपने बिजनेस में लगा दी, एंड थैंकफुली वो बिजनेस आज मुझसे ज्यादा बेटर काम कर रहा है, इन टर्म्स ऑफ इट्स बेटर देन मी राइट नाउ आई कैन से. सो हाउ यू डिवाइड योर टाइम? इट्स इजी एक्चुअली, एज एक्टर्स हमारे पास बहुत टाइम होता है, क्योंकि आधा से ज्यादा टाइम तो हम वेट ही कर रहे होते हैं दैट वी गेट गुड प्रोजेक्ट्स, बिकॉज एज एक्टर्स अगर मैं सेट पे भी होती हूँ ऑन द डेज जब मेरे पास बहुत डिफिकल्ट सीन्स नहीं है करने को, तभी मैं बैठ के आई मेक अ वीडियो फिनिश हेयर. सो दैट्स हाउ आई डिवाइड माय टाइम, बिकॉज एज एक्टर्स हम कितनी देर तो वैनिटी में ही वेट करते हैं फॉर आर शॉर्ट्स टू कम, या फिर घर पे वेट करते हैं कि ऑडिशन दिया अभी पता लगे क्या रिजल्ट आएगा. सो एज एक्टर्स वेटिंग इज आर स्थाई भाव आई कैन से, और उसी टाइम में मैं निश हेयर को टाइम देती हूँ जब भी मैं वेट कर रही होती हूँ. How is Corona going on? Rohit, आपसे जानना चाहते हैं. Rohit, yes. Rohit Jadhav. Corona going on, मतलब Corona ने तो हम सबका रोना ही निकाल दिया एक तरीके से. I feel अभी बस खत्म हो जाए. And I genuinely, jokes apart, I really hope कि ये situation better हो, लोग affect नहीं हो, लोग बीमार नहीं हो, ताकि हम सब वापस काम कर सकें without thinking कि हम भी infect हो सकते हैं अगर बाहर जाएं तो. शुभ कह रहे हैं कि आपको राइटर केस कैसे मिला. एक्चुअली यहाँ पे अगर फैंस के सवाल नहीं लेंगे तो वो लोग थोड़े नाराज भी हो रहे हैं. ओह यस यस यस, आई टोटली गेट दैट, आई टोटली गेट दैट. राइटर केस, इट्स अ फनी स्टोरी. मैंने अक्षय के साथ एक और शो किया है जो कि वूड सिलेक्ट पे ही है, इट्स कॉल्ड इलीगल, और वो शो मैंने राइटर से पहले किया था, और वो शो देख कर वायकॉम पीपल डिसाइडेड दैट दे वॉन्ट टू वर्क विद मी ऑन अनदर शो, और उन्होंने हक से भी देखा था. सो आई रिमेम्बर अनूप फ्रॉम वायकॉम हैड गॉटन इन टच विद मी एंड ही सेड देयर्स अ शो फॉर व्हिच वी रिटन कीपिंग यू इन माइंड. सो फॉर मी दैट वाज लाइक वाओ, ये बहुत रेयरली होता है. सो इस तरीके से मुझे राइटर केस मिला, बट ऑफ कोर्स मैंने ऑडिशन भी किया उसके बाद, एंड देन एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस. करणवीर शर्मा जो एक्टर है वो आपसे कह रहे हैं आपके फेवरेट को एक्टर कौन है. Because I ask him the same question in every live. Of course, Karan, you are my favorite co-actor. हमने हक से किया था साथ में. Yes, that's why he's asking. उनके उनके तारीफ में कुछ कहना चाहेंगी? करण के साथ भी मैं लाइव गई थी. I saw Karan, और मैं उसकी हर लाइव पे कमेंट करती हूँ, because Karan is doing so many lives. मुझे लगता है वो मेरे लिविंग रूम में मेरे साथ ही रहता है, because I see him every minute of the day. सॉरी, व्हाट डिड यू से कि करण के साथ? करण की कुछ तारीफ कर सकते हैं हम लोग? अरे करण इज अमेजिंग, ही इज एन अमेजिंग एक्टर, एंड दैट वाज माय फर्स्ट वेब सीरीज जिसमें वो मेरे ऑपोजिट थे हक से में. या
सिलेक्शन डे के बारे में यहाँ पे लोग पूछ रहे हैं कि सिलेक्शन डे नेक्स्ट कब आएगा। आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो हमारा उसका सीजन 2 आएगा. जितने भी एपिसोड थे वो 12 एपिसोड आई थिंक वो वही हैं. यू कैन स्टिल वॉच इट ऑन नेटफ्लिक्स अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो. देन देयर इज HRT सचदेवा आस्किंग मी हाउ वाज माय एक्सपीरियंस विद हनी सिंह इन जोरावर. ही इज सच अ रॉक स्टार हनी एंड आई थिंक आई वाज ब्लेस्ड टू बी एबल टू वर्क विद हिम स्पेशली व्हेन ही वाज इन हिज एलिमेंट टू इट्स टीथ. अभी ही वाज रिलीजिंग हिज एल्बम्स एंड Oh God, I think he's such a rock star. So, उसके साथ काम करना was so much fun. लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पहले जोरावर में वो नहीं थे जब आपने साइन करने के लिए आपको पूछा गया था। पता है, आपको सब पता है. Yeah, there was another actor, और मैं उसी के दौरान विनिल मार्कन, who's the director, मैं उन्हें मिली थी. मैंने उन्हें फेसबुक पे मैसेज किया था. I was like, sir, I know that you're making a film and I would like to work with you. So we did a meeting and so it happened. After a week we realized that that actor is not doing it, Honey is doing it. So I think I got lucky that way. Gary Sandhu, Jazzy Bean, सभी के साथ काम किया आपने जो कि पंजाब के सुपरस्टार है. तो how it's working in Punjabi film industry? मैंने why you are not doing अभी आप नहीं कर रही ना if I'm not wrong. पंजाबी के बाद मैंने डायरेक्टली POW स्टार्ट कर लिया था. जैसे ही जोरावर रिलीज हुई उसके कुछ माह के बाद आई साइन POW, फिर हक से हो गया, फिर उसके बाद आई डिड हे प्रभु, सिलेक्शन डे. सो देयर वाज नो टाइम इन बिटवीन. और अभी टाइम था एंड आई वाज प्लानिंग इन फेब्रुअरी, वी वर प्लानिंग अ फिल्म. सो वी वर गोना गो टू लंडन एंड शूट फॉर इट, पर अभी अगेन हम सब लिम्बो में है सर. So, नहीं हो सकता. आई विश वो हो रही होती बिकॉज इट वॉज अ ब्यूटिफुल स्टोरी. सो आई वुड लव टू डू अ पंजाबी फिल्म क्योंकि मैंने शुरुआत एक तरीके से वहीं से की है. आपने सब किया, टीवी, वेब सीरीज जब शुरुआत हो रही थी, पंजाबी फिल्म, तो सबसे ज्यादा आपने करने हिंदी फिल्म नहीं की है अभी. हिंदी फिल्म अभी मैं बोलने वाली थी कि हिंदी फिल्म के बारे में आपने सोचा नहीं या इट्स डिफिकल्ट टू गेट? इट्स डिफिकल्ट टू गेट आई विल से. It's very difficult to get. Or to be honest, कुछ ऐसा amazing offer आया नहीं that I was like कि मुझे ये film करनी है. About to answer your question, इन सब में से मुझे genuinely सबसे ज़्यादा मज़ा web shows करने में ही आया, because वहाँ पे मुझे ऐसे-ऐसे characters करने, play करने को मिले जो कि मैंने कहीं भी और play नहीं करे थे. And आप एक character को ज़्यादा time तक play कर सकते हो web में, and if it's successful, आप season 2 भी करते हो. So, वेब को मैंने अब तक सबसे ज्यादा एंजॉय किया. एंड द काइंड ऑफ कैरेक्टर्स आई हैव प्लेड, लाइक इवन इफ आई नेम फ्रॉम हक्से में व्हेन आई एम प्लेइंग अ जर्नलिस्ट जन्नत, या इन हे प्रभु आई एम प्लेइंग अरुणिमा हु इज द एडिटर ऑफ अ फैशन मैगजीन, देन सिलेक्शन डे व्हेन आई एम प्लेइंग दिस मल्टी मिलियनेयर बिजनेस वुमन, एंड इन दिस वन आई एम अ रिच डॉटर हु इज ट्रबल्ड इन रायकर केस. सो दैट्स व्हाट आई लाइक वेब द मोस्ट. How is your days going on in lockdown? It's good. It's good. There are days when I'm very happy. There are days when I'm just very lazy. But it's been good. आपको screen 2 आपको screen 2 कैसी लगी? Screen 2. Screen 2 hasn't released, but I'll tell you. मैंने एक web short film करी. I don't know. You've seen it? Yeah, that's why I'm asking. This was Abhishek's idea, who is there in Stree. उन्होंने मुझे कहा कि हम decide कर रहे थे on that spot कि हम film देखने जा रहे हैं, तो कौन सी film देखने जा रहे हैं in that short film. तो Abhishek was sitting there, he's like, oh, Stree 2. So if you see, I'm actually laughing when I'm saying Stree 2. So that's what I did in the shoot. So yeah. Actually, स्त्री टू का कास्टिंग भी किया अभिषेक ने. He's from casting. He's from casting में, और उन्होंने I think so स्त्री टू की शूटिंग हो गई. स्त्री तो पहली आई थी, उसमें भी तो किया था उन्होंने, तो मैं तभी समझ गई थी. I'm so sorry अगर सन, if सन is too much and it's bothering you. No. Nice golden hour. जब मैंने ये देख लिया, डायलॉग सुना ना, मैं तभी समझ गई कि अभिषेक का ही आइडिया होगा. Yes, it was his idea, and I think Navjot also said yes karte hain. Navjot is the director of Second Hand. So Karanveer abhi bhi hai shayad. He is your A category friend, B category or C category? So usne bhi meri TED talk dekhi hai, ya you are asking me this? I am asking you this. Oh, I really like this concept.
एक एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कनेक्शन एंड कलेक्शन. या सो क्रेडिट गोज टू माय थेरेपिस्ट हु टॉट मी ऑल ऑफ दिस. बट आई थिंक आई वुड से ही इज अ सी कैटेगरी बिकॉज़ वो मुझे कभी भी नहीं मिलता है. सो कर आई पुट यू इन द सी कैटेगरी बिकॉज़ आई नेवर मेट हिम. हम हमेशा तभी मिलते हैं जब कोई इवेंट होता है या शूट होता है. सो दैट्स द टाइम वी एक्चुअली एंड अप मीटिंग. देन देयर इज Nitin, who's a wonderful hair stylist, he's saying I really like the Ryker case, but don't know if they are releasing second season. We'll have to shoot for it, Nitin. Tabhi hum release kar payenge. He's this wonderful hair stylist. I've worked with him. Yes. मुझे लगता है रायका केस का पार्ट टू बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि लोगों इतना सवाल कर करके, अभी नहीं लॉकडाउन के बाद जब भी खुलेगा तब बनेगी वो सीरीज. आई होप सो. आप और जो भी जानना चाहते हैं आई वुड रियली से कि आप प्लीज वायकॉम को वोट सिलेक्ट को ये डीएम भेजिए बिकॉज देन दे विल टेक दिस एक्शन वेरी सीरियसली. रक्षित यहाँ पूछना चाह रहे, हु इज योर थेरेपिस्ट? और धान्या जानना चाह रही है, डू यू एवर फाइंड मैनेजिंग बिजनेस स्ट्रेसफुल? इफ यस, हाउ डू यू कोप विद इट? दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन. सो आई यस ऑफ कोर्स आई फाइंड इट एट टाइम स्ट्रेसफुल बट बिकॉज आई लव इट सो मच there's very less part. I think I'm very lucky to be able to do two things जो दोनों से मुझे इतना प्यार है, my acting and my business. तो difficult लगता है but to cope with it I think you take a little break and then get back to it जब आपको and depend करता है ना किस चीज का stress ज्यादा है. अगर stress है कि sales ज्यादा नहीं हो रही या फिर stress है कि दोनों कैसे manage करें या फिर stress है कि there's no time at all. तो यू फिगर इट आउट, यू सिट विद योर टीम मेंबर्स. फॉर मी इट्स माई मदर बिकॉज वो मेरे बिजनेस में मुझसे ज्यादा इन्वॉल्व है इस टाइम. सो आई जस्ट सिट विद माई मदर, हैव अ टॉक एंड सॉर्ट इट आउट वट एवर द प्रॉब्लम इज. आई थिंक उसको उसी टाइम पे टैप करना चाहिए, ज्यादा टाइम तक उसे नहीं रहने देना चाहिए बिकॉज देन इट कैन बिकम अ प्रॉब्लम. पार्थ पूछ रहे हैं कि आपने किसी रोल को ना बोला था और बाद में रिग्रेट हुआ था. Actually no, मैंने अब तक जिसको भी no बोला है वो सब work नहीं करे. So I'm very happy. But I remember there's yeah when I had just started out ना तब मैं ads I was only doing TV commercials और मैंने एक TV commercial को मना करा था because I was not sure. पर ना उसके फिर बाद में हर जगह posters लगे थे and sad thing मेरे I've never been on billboards for like I think I've not been on billboards as much. So मेरा वही सपना है that I want to see myself on big billboards. और वो उस ad के this is maybe my third or fourth ad and I wasn't sure because they were not paying very well. They were paying very less. So I said no and later I saw उसके posters आ चुका था. So I felt little bad. But at the same time मैं अगर करती हूँ उसे for no money then also it's not good. लेकिन जब भी एक्टिंग में आते हैं तो हर किसी का ये सपना होता है कि बड़े बड़े बिलबोर्ड पे हमारी किसके साथ. रायकर इट विल हैपन. सो आई थॉट विद रायकर इट विल हैपन बट लुक एट अस न्यूज़पेपर्स नाउ. किसके साथ देखना चाहती हैं? लेकिन मैं खुद को देखना चाहती हूँ. आई शुड बी द ओनली वन. अच्छा, रोमांटिक फिल्म ऑफर हुआ या एक्शन फिल्म, किस तरह का जॉनर पसंद है? I want to do comedy. As an actor, I want to do comedy because I think it's sabse difficult hota hai to be able to make others laugh. Comedy, it's really very difficult. Yeah. So I tried to do that with Girls Hostel, but again, it wasn't a slapstick comedy. Girls Hostel, kafi slapstick nahi tha. Girls Hostel was more like situational. I don't know agar aapne dekha hai Girls Hostel. So. Girls Hostel, maine nahi dekha. मैंने आपके सिलेक्शन शॉर्ट फिल्म्स और ये रायकर केस वगैरह देखा है. yeah. हक से यहाँ पे पूछना चाह रहे हैं कि आप म्यूजिक वीडियो क्यों नहीं करती है, हम आपको कब देखेंगे? पार्ट पूछना चाह रहे हैं. मुझे कोई अच्छी ऑफर नहीं हुई. अगर मुझे कोई बहुत अच्छी म्यूजिक वीडियो मिलेगी आई वुड लव टू डू इट. रचित कह रहे हैं कि जो एड आपने रिजेक्ट की वो किस चीज पर थी? ये 7 साल पुरानी बात है. I don't even think I remember. I just remember it was very pink and nice and beautiful. So I mean I don't regret it as much. In that particular week I regretted it, that's all. Juhi wants to know when's Haksay season 2 coming. I don't think so, we'll be having a season 2. Very recently I got one confirmation that there will be no season 2 of Haksay. Sorry. पल्लवी और अर्जुन कब देखेंगी काम करते हुए? So
बताइए। आप पल्लवी और नवजोत तीनों साथ में काम कब करेंगी? गुलाटी, थ्री गुलाटीज। ओह आई नवजोत एंड आई हैव वर्क्ड, आई डोंट नो पल्लवी, आई एम सो सॉरी, आई वुड डेफिनेटली चेक पल्लवी गुलाटी, बट आई डोंट नो हु इज पल्लवी गुलाटी। पारुल, मैंने देखा आपने अपने इंस्टा पे एक बहुत ही सुंदर स्पैनिश इटालियन गाना डाला हुआ है तो आपको गाने का शौक है? यू नो सबका एक सपना होता है ना, आई विश दे हैड दैट टैलेंट। सो मेरा सा सपना था कि अगर मुझे सिंगिंग आती, तो मुझे सिंगिंग नहीं आती और मुझे शौक बहुत है। सो लेकिन मैंने बहुत अच्छा गा रही थी एक्चुअली। मैंने मुझे बहुत बिल्कुल ट्रोल किया था समझ लोगों ने, पूरा सुना होगा ना। हाँ क्योंकि वो इतना फेमस है बेला चाओ। सो मैंने जब सुना आई वाज लाइक आई विश मुझे इसके लिरिक्स आते, तो मैंने वो लिरिक्स सिर्फ सीख लिए और फिर नेक्स्ट डे आई वाज लाइक व्हाई नॉट। एंड दैट वाज द फोर्थ फिफ्थ डे ऑफ लॉकडाउन, सो तभी मैं बहुत एक्साइटेड थी। मैं रोज कुछ ना कुछ नई चीज सीख रही थी, या तो मैं आई वाज लाइक आई एम गोइंग टू पेंट, मैं म्यूजिक सीखूंगी, मैं ये सीखूंगी, मैं वो सीखूंगी। अभी सब स्टैंड स्टिल हो गया, अभी कुछ ऐसा खास नहीं हो रहा, बट वो शुरू शुरू के दिनों की एक्साइटमेंट थी। सो या और मैंने आपका एक वीडियो भी देखा जिसमें आपने बहुत ही अच्छा मेंटल इलनेस पे बोला है कि कई बार लगे कि आज कुछ नहीं हो रहा है तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे यस लगता है आप एक अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकती है। आई डोंट नो बट यू नो वी आर कॉल्ड व्हाटएवर हैशटैग इन्फ्लुएंसर्स, सो आई थिंक एक तरह से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हम सोशल मीडिया पे सिर्फ अपनी ट्रैवल फोटोज नहीं डालें, कुछ ऐसी चीजें भी डालें विच इज अ हार्श रियालिटी जो काफी लोग नहीं बात करते। एंड आई ट्राई टू डू दैट विद माई सोशल मीडिया, सो आई डोंट नो अगर मैं मोटिवेशन कर रही हूँ, बट आई नो काफी लोग मुझे फॉलो करते हैं एंड दे काइंड ऑफ लुक अप टू मी इन वट एवर सेंस, आई डोंट नो, बट वो मुझे फॉलो करते हैं एंड आई थिंक इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पुट आउट कॉन्टेंट जो थोड़ा सा सेंस भी मेक सेंस, लाइक इट शुड मेक सम सेंस। या एक घी देन करके आपसे पूछना चाहते हैं पारुल, यू आर वेरी नाइस वुमेन बाय नेचर, बट इज दिस फिल्म इंडस्ट्री द सेम एज यू? लाइक हैव यू कम अक्रॉस एनीथिंग व्हिच इज रॉन्ग एंड हाउ यू रिएक्टेड टुवर्ड्स इट? I think when you want to meet people, those who are like you, then you end up meeting those people. I know it's a very different question that he's asking me, but I've come across, I think, jitne log successful, zyada main jab jitne successful logon se mili hu, utne hi wo mujhe acche lage hain. But you, why don't you tell this to us, Hina? Because aap roz logon se baat karte ho. What do you feel about this industry? मुझे एक चीज हमेशा लगी है, अगर आप अच्छे हैं तो सामने वाले लोग भी अच्छे हैं। मतलब समझ में आ जाता है कि कहाँ जाना है, कितना जाना है और कहाँ से निकल जाना है। कहाँ जाना है, कितना जाना है, कहाँ से निकल जाना, वंडरफुल जिस तरह से हमारी अपब्रिंगिंग होती है, बहुत जल्दी हमें पता चल जाता है कि कहाँ तक कितना जाना है, कितना आगे तक जाना है। आपको क्या लगता है? नो नो एब्सोल्युटली आपने बहुत अच्छे से बोला, ये तो मैं लिख लूंगी अपने नेक्स्ट पोस्ट में, यही होगा कैप्शन, कहाँ जाना है, कितना जाना है, कहाँ से निकल जाना है। बट आपने बहुत अच्छे से आंसर किया, पर मुझे लगता है कि आई डोंट नो कि मेरा ऐसे लोगों से एनकाउंटर हुआ है, आई हैव ओनली मेट वेरी नाइस पीपल एंड आई हैव बीन वेरी लकी टू वर्क विद सम ऑफ देम। यस देयर आर पीपल, कुछ मीन लोग होंगे, लेकिन वो तो हर इंडस्ट्री में होते हैं ना, इट्स जस्ट फिल्म इंडस्ट्री इज आउट देयर फॉर पीपल टू जज। सो लोगों को लगता है उनका एक तरह से अच्छा है, बिकॉज आई थिंक इट्स ओनली इन आर कंट्री दैट पीपल आर सो पैशनेट अबाउट फिल्म एक्टर्स और whatever, they feel that they own them in a way, which is such a beautiful thing. But then, hum under scrutiny hote hain hamesha, jabki a businessman would not be under scrutiny, chahe wo kitna mean ho, chahe wo aapki aapke saath kaise bhi behave kare, wo itna news mein nahi aata. So मुंबई आई तक से, बहुत तक से मुंबई आना, जिस दौर में आप आई खैर इतना नहीं था, लेकिन जब मैं 20 साल पहले आई थी तो एक कल्चरल शॉक की तरह था दिल्ली से मुंबई आना। बहुत चीजें डिफरेंट थी, सब कुछ बहुत डिफरेंट था, तो आपको एडजस्ट होने में टाइम लगा था? पर आप दिल्ली से आई थी, मैं तो रोहतक से आई थी, मैं रोहतक से बाहर ही कभी नहीं निकली थी, तो फॉर मी इट वाज अ वेरी बिग कल्चर शॉक। मैंने ये दुनिया सिर्फ बहुत दूर से देखी थी एंड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड वाज अमेजिंग फॉर मी। आई फील आई हैड सो मच फन, आई वाज स्कैर्ड, आई वाज ऑन डेज, सो एवरी डे वॉज अ न्यू स्टोरी। शुरू में तो बस ये था, आई हैड नेवर सीन अ लाइफ लाइक दिस, आई हैड नेवर सीन
पीपल लिव लाइक दिस इन रोहतक आफ्टर 7-8 o'clock हम घर से बाहर नहीं जाते थे. सो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट रोहतक. आप दिल्ली से आप एक मेट्रो सिटी से दूसरी मेट्रो सिटी में आई. बस मैं तो बहुत ही छोटे से शहर से, बट नाउ रोहतक इज नॉट छोटा एनी मोर, इट्स डूइंग वेरी वेल एंड आई लव माई होम टाउन. एंड मैं अब बस काफी कम जाती हूँ, बट अभी आई थिंक एवरीथिंग इज बैलेंस्ड बिकॉज अब हमारे पास सोशल मीडिया है, काफी एक्सपोजर है. उस टाइम पे इतना एक्सपोजर नहीं था. सेम जब हम आए थे दिल्ली से तब ऐसा ही था कि 7 बजे के बाद की दुनिया मुंबई में आके देखी थी. हाँ और उस समय भी लगता था कि अच्छा 7 बजे के बाद भी बाहर. मुझे लगता है मुंबई शहर इस मामले में बहुत ही अच्छा है कि Yeah, आप and it's very safe. It's very, very safe to even go out at whatever time. जब आपने काम करना शुरू किया पारुल, उसके बाद आपने ऐसा क्यों सोचा कि मैं ब्रेक लेके लंदन चली जाऊं, जब काम मिलने लगा था और अचानक से ब्रेक लेके ऐसा नहीं लगा कि नहीं ऐसा ना हो मैं वापस आऊं फिर काम ना मिले फिर दोबारा से स्ट्रगल करना पड़े फिर But इतने you know, महीनों का ब्रेक. but I was still 19, 20 around that time. और मैंने अभी 2 साल ही एक्टिंग की थी बॉम्बे आकर. तब मुझे रियलाइज हुआ कि आप कुछ भी करते हो उसके लिए ट्रेनिंग काफी इंपॉर्टेंट है. इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू ट्रेन योर सेल्फ इन वॉट एवर दैट यू डू. आई एम श्योर यू आर अ जर्नलिस्ट, यू मस्ट हैव स्टडीड दैट. सो मैंने अपनी पहली पंजाबी फिल्म की थी बुर्रा, एंड उसके बाद मुझे लगा आई रियली नीड टू ट्रेन माई सेल्फ एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं एक्टिंग करना चाहती थी. नॉट जस्ट राधा, आई डिड मेनी अदर वर्कशॉप्स जस्ट बिकॉज आई थॉट आई वॉजंट रेडी to be an actor without training. So I thought कि मुझे हर जगह से कुछ ना कुछ collect करना है, कुछ सीखना है और फिर अपना एक style ढूंढना है in acting. Because for me, after doing my first Punjabi film, एक चीज बहुत clear थी, this is what I want to do for the rest of my life, act. But to be able to act, I wanted to be good at it. I think that's why मैंने वो break. और उस time पे आप इतना rationally आप नहीं सोचते, आप बहुत इरेशनल होते हो जब आप टीनेजर होते हो. यू जस्ट वांट टू डू समथिंग, यू वांट टू डू इट, यू इट डजंट मैटर. सो यू स्टिल रिमेंबर योर फर्स्ट ऑडिशन? माय फर्स्ट ऑडिशन वाज द शो व्हिच आई गॉट. ओह यस, या एंड इट वाज अ सेल्फ टेप ऑडिशन बिकॉज मैं रोहतक में थी और मुझे फेसबुक पे मैसेज आया था एंड दे सेड कि ये रिकॉर्ड करके भेजो. एंड आई डिडंट नो एक्टिंग एट ऑल. और मैंने वो लाइंस पढ़ी और उसे मैंने रिकॉर्ड किया इन अ वेरी डिंजी शादी वाला स्टूडियो जो होता है. एंड दैट वाज द ऑडिशन आई रिमेम्बर. मुझे कुछ नहीं आता था, मैं बहुत गंदे से ग्रे लेंसेज लगाकर चली गई थी. आई थॉट कि यू नो पीपल लाइक ग्रे आईज एंड स्टफ एंड दे वर टेरिबल. दैट ऑडिशन वाज वेरी बैड बट आई स्टिल गॉट इट. आपसे गाना गाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं सब. नो नवनीत, आई विल नेवर सिंग. व्हाट इज कैन यू टाई योर हेयर समवन सेइंग, आई डोंट नो, लाइक अंबोरा यानी कि जूड़ा. ओह अंबोरा इज जूड़ा. नो राइट राइट, आई एम नॉट टाइंग माय हेयर, बी गीले बाल है मेरे. हाय पावेल, माय फ्रेंड इज हियर. समवन सेइंग नो वॉइस, दे कैन नॉट हियर अस. नो आप लोगों को सुनाई नहीं दे रही है मुझे लगता है कि नहीं, मुझे सुनाई दे रहा है अच्छे से. Pavel is saying, what did I teach you? you taught me to be patient and nice. Someone saying, please sing. Oh God, I'm not singing, guys. I think हम अपनी conversation के end पे पहुंच गए हैं, because I can't sing at all. लेकिन आप कभी सोचा है कि नहीं अभी जब भी टाइम मिलेगा मैं गाना सीखूंगी जरूर? बट यू नो हीना जी, उसके लिए आवाज भी होनी चाहिए अच्छी अगर मैं सीख भी लूं. एंड माय वॉइस इज नॉट नाइस. सो या आई डोंट थिंक आई हैव अ गुड वॉइस बट आई लव टू सिंग. हाँ मैं जरूर सीख सकती हूँ, सीखने में कोई हार्म नहीं है. यहाँ पे लोग आपसे बॉलीवुड प्रोजेक्ट के बारे में भी पूछ रहे थे, मैंने भी आपसे ये पूछा. तो किस तरह की फिल्म का इंतजार है आपको, कभी आपने सोचा है कि नहीं? You know, beggars can't be choosers. अगर मुझे कुछ भी थोड़ी सी भी रिमोटली अच्छी फिल्म मिल गई, आई थिंक मैं कर लूंगी बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू डू फिल्म्स एंड दैट्स वन थिंग आई वॉन्ट टू डू. सो या अगर आप लोगों के सवाल है तो बताइए. या ऐसी कोई मेमोरी है पारुल जिसको आप डिलीट इरेज करना चाहेंगी कभी भी? No, not really. Because, you know, agar aap, when you look back now, you realize everything has led you here.
because we did something like that or something good, bad, ugly. I don't think I want to erase anything at all. अगर मैंने उस time पे कुछ भी कहा या किया, उसका reason है, उसका ये result है that I'm here. You want to relive any moment? Relive? I think my school life. I think उस time पे मैं बहुत uptight थी. That's one thing, but I don't want to change it. But if I get to, yeah, I think I'll enjoy more. आप अपने स्कूल फ्रेंड्स के टच में हैं? Yes. वो बहुत प्राउड फील करते होंगे आपको देखकर. हाँ हाँ, बट वो उतनी हिसाब से मेरी टांग नहीं खींचते हैं अगर उन्हें मौका मिलता है तो, बिकॉज़ दे आर माय बेस्ट फ्रेंड्स. दोस्तों का हक होता है लेकिन. हाँ, एब्सोल्युटली. हमारा एक ग्रुप है जिसपे हम कॉन्स्टेंटली टच पे रहते हैं, वीडियो कॉल्स करते हैं, बिकॉज दे लिव इन रोहतक स्टिल. एंड इस साल हम प्लान कर रहे थे ट्रैवल करने का, बट आई डोंट नो इफ आई कैन ट्रैवल, बट आई लव माय स्कूल फ्रेंड्स. अजय पूछना चाह रहे हैं कि सीरीज या मूवीज आपको क्या सबसे ज्यादा पसंद है? जहां भी मुझे अच्छा रोल मिले, आई एम ओके विद अ गुड कैरेक्टर. इफ देयर इज अ मूवी और अ वेब शो, आई विल डू इट. थैंक यू पारुल जुड़ने के लिए. और मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चंस हम यहाँ से ले चुके हैं. यस, आई थिंक वी हैव आंसर्ड एवरीथिंग. मरिया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर पेज. पारुल, बाकी मैं आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. प्लीज एक बड़ा सा फॉन्ट डालना इस यूट्यूब वीडियो पे, अगर ये यूट्यूब पर जाएगा तो आई वॉन्ट टू सी माई फेस क्रॉप्ड एंड अ बिग फॉन्ट. बिल्कुल, यूट्यूब पे डालूंगी. थैंक यू. Hi Vibhav, one of my friends is also here. He's saying, yeah, you do need Nish hair. Sorry. Yes, but yeah, thank you so much for this interview. It was lovely talking to you. And same, I hope from you dobara kar sake. Pakka milenge. All right. Thank you. Bye. Thanks for joining. Thank you.